हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्रिस्टल फील स्प्लिटिंग, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में बता दिया था तुम्हें। और फाइनली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में आज मुझे 1 आवर क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी आज। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक था ना, जो सामने बोर्ड पर तुम्हें शो हो रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं इसका मतलब, जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात चल रही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, हमने देखा था कि मेटल किसके साथ कौन बनाता है, लिगेंड के साथ बनाता है। एग्जांपल की बात करें तो Ni और ये CO और ये क्या हो गया Hol4, ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें Ni क्या हो गया मेटल और CO क्या हो गया लिगेंड, इतना ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर Ni की, तो Ni किससे बॉन्ड बना रहा है, CO से बॉन्ड बना रहा है। और Ni के कौन से ऑर्बिटल यूज में आने वाले, Ni के ऑर्बिटल यूज में आने वाले कौन से, डी ऑर्बिटल है ना। Ni के कोई से भी मेटल लेंगे तो उसके कौन से ऑर्बिटल यूज में आने वाले, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में अगर अपन बात करें, डी सबशेल की बात करें, तो क्या होगा, कितने होते हैं डी के पास, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। डीके की कोई से भी एलिमेंट की मेटल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल होंगे, है ना। अब एक बात सुनो, अगर मैं बात करूँ डी की, तो इस डी में क्या होगा, डी की शेप कैसी होती है, हमें पता है एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। पी की शेप कैसी होती है, डम्बल होती है। और डी की शेप कैसी होती है, मैं इसी में कर रही हूँ, डी की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल होती है। ठीक है, मैं तुमसे बात करूँ इस डी की शेप बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, डबल डम्बल। इस डी की शेप बताओ दूसरे वाले डी की, डबल डम्बल। सबकी शेप कैसी है, सेम है। सेकेंड थिंग, ये सब एक साथ बने हुए हैं ना, पाँचों एक साथ बने हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन पाँचों का एनर्जी लेवल भी क्या है, सेम। सपोज करो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि इसकी एनर्जी 5 जूल है, एग्जाम्पल है, तो इसकी भी कितनी होगी 5 जूल, इसकी भी कितनी होगी 5 जूल, सबकी भी क्या रहने वाली है 5 जूल रहने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। एनर्जी सेम है तो अपन क्या बोलते हैं इसको, डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट का मतलब एनर्जी इन सबकी क्या है, सेम। कितने की एनर्जी सेम है, 5 की एनर्जी सेम है, तो यहाँ लिख दिया 5 डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिटल किसके, मेटल के, तो यहाँ लिखा हुआ मेटल आयन, कोई सा भी मेटल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड मतलब होता है जब मेटल क्या है, फ्री है। फ्री मतलब Ni है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी किसी भी लिगेंड के साथ क्या नहीं बनाया, बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब अकेला है लिगेंड, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना। एक तो मैं लिख रही हूँ Ni, और एक में क्या लिखती हूँ NiCO4, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड, अकेला है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये 5 लेवल कैसे है, सेम है। ठीक है, कब है, जब वो कैसा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड को हम क्या बोल सकते हैं, फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन मतलब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। अगर बॉन्ड बनाया ही नहीं है तो बताओ लिगेंड होगा क्या, नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होना, विच इज कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। कब होगा ये, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, लिगेंड नहीं होगा। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, अब उसके पास कौन आ गया, लिगेंड आ गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, है ना। अब उसके पास कौन आ गया, लिगेंड आ गया। लिगेंड आ क्यों रहा है, अगर मैं बात करूँ कि लिगेंड आ क्यों रहा है यहाँ पर, तो हमें पता है कि लिगेंड आ रहा है मेटल को क्या प्रोवाइड करने के लिए, लॉन पेयर। ये Ni है ना, इसको ये क्या देगा, लॉन पेयर देगा। ये लिगेंड इस Ni को लॉन पेयर देगा। ठीक है, Ni के पास अपने खुद के कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में हर किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, कम से कम एक तो होगा ही ना इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ लिख दिया डी में Ni के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये लिगेंड है, और लिगेंड क्या आ रहा है, इसके पास आ रहा है, क्यों आ रहा है, लॉन पेयर देने के लिए आ गया। और लॉन पेयर का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो Ni के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लिगेंड के लोन पेयर, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। Ni के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, और कौन आ रहा है इनके पास, लिगेंड आ रहा है लोन पेयर देने के लिए, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन से एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसलिए जो ऑर्बिटल पहले नीचे थे, लो एनर्जी वाले थे, अब वो क्या हो गए, बढ़ गए, एनर्जी लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये ऊपर क्यों बनाया है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। किस किस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है बिटवीन मेटल, मेटल के इलेक्ट्रॉन, और किसके, लिगेंड के लोन पेयर, ड्यू टू रिपल्शन एनर्जी लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है,
एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई ना, ये एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अच्छा एक बात सुनो, जैसे किसी दिन क्या होता है हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो हम एक जगह बैठ जाएंगे क्या, नहीं बैठ पाएंगे ना, क्योंकि क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, हम यहाँ से वहाँ घूमने लगेंगे। तो एनर्जी अगर ज़्यादा है, एनर्जी अगर क्या है ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, हम एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, अब ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट का मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्प्लिट, टूट जाएगा। ये कितने पास में ब्रेक हो गया, तीन में, मतलब दो सेट बन गए, एक बना तीन का सेट और एक इसका बन गया दो का। देखो ये पाँच है ना, इस ये पाँच क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, एक तीन के पार्ट ग्रुप में और एक इसमें दो के ग्रुप में। और दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये ब्रेक हो गए, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। अब इसको मैंने डिटेल में तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि तीन और दो में ही क्यों ब्रेक हुआ, इसको ब्रेक ही तो होना है, तो ब्रेक ही होना है, तो ये थ्री, ये तीन और ये क्या होगा दो, तीन और दो में ब्रेक क्यों हुआ है, वन प्लस फोर में ब्रेक क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक अलग हो जाए और चार अलग हो जाए। और चलो ठीक है, माना ऐसा ब्रेक भी हो गया, तो इसका रीज़न मैंने कहाँ बता रखा है, पहले वाली वीडियो में। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया कि ये तीन नीचे क्यों है और ये दो ऊपर क्यों है, इन तीन की एनर्जी कम क्यों है, इन दो की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, क्या हो जाएगा, द स्प्लिटिंग ऑफ, ये किसकी स्प्लिटिंग हो रही है, इनकी हो रही है, कौन से ऑर्बिटल की, डिजर्मिनेट ऑर्बिटल, कितने डिजर्मिनेट ऑर्बिटल, फाइव, ऑफ मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इतना हमने क्या किया था, ये लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमें पढ़ना है। देखो अब इसमें क्या देखना है हमें, हमें पता है कि दो टाइप के लिगेंड बताए थे मैंने तुम्हें, एक बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक कौन सा बताया था, वीक लिगेंड। दोनों की बात करते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, अच्छे से समझना क्योंकि इसी के बाद से है ना एक क्वेश्चन आने वाला है जो बोर्ड में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, वीक लिगेंड की। अगर मैं कहूँ कि किसी मेटल के पास डी वन आ रहा है तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, डी वन का मतलब, डी वन का मतलब है जैसे है ना मैंने यहाँ लिखा टाइटेनियम H2O होल 6 3+, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सपोज करो इस कंडीशन में टाइटेनियम है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, यहाँ लिखा मैंने आर्गन, ये मैंने पहले बता रखा है 3D, और ये क्या हो गया 4S, 22 है ना, तो ये 2 और ये भी क्या हो गया 2। चार्ज कितना है यहाँ पर, +3, सॉल्व करोगे तो +3 आएगा, +3 मतलब तीन इलेक्ट्रॉन चले गए। अब वो तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाने वाले हैं, दो यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3D1। इसके पास इस वाले कंपाउंड में जब मेटल भी है लिगेंड भी है, लिगेंड आ गया ना, अब तो बताओ जब लिगेंड आ गया तो ये वाला देखेंगे अपन, क्योंकि लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3D1, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, लो एनर्जी लेवल में, यहाँ चला गया। अब मैं कोई और एग्जांपल लिखूँ फिर समझाऊँ, तो तुम डायरेक्ट समझ लो कि D2 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूँ D3, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ आएगा, हो गए तीन इलेक्ट्रॉन, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं D4, तो अब बताओ क्या होगा, D4 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यही हमें क्या करना है आज की क्लास में पढ़ना है, D4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूँ ना D4 की, क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग क्या करता है, मैंने बताया तुम्हें स्ट्रॉन्ग पावर है इसके पास, पावर है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, इसका मतलब D4 यहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा D5 होगा तो भी पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग है ना, पेयरिंग करेगा यहाँ जाएगा, 6 है पेयरिंग करेगा यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है ना, तीनों पे आ गए इलेक्ट्रॉन, इन केस D7 आता है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो किसी एलिमेंट के पास D7 है और कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाले में एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है तुम्हें स्ट्रॉन्ग वाले में, अगर D7 है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करेगा, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले आओ
ये दो, ये तीन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग के पास पावर है, तो डी फोर यहाँ जाएगा, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, अब यहाँ स्पेस नहीं है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, स्ट्रॉन्ग की। अगर मैं बात करूँ ना वीक की, तो जैसे मान लो कि डी सेवन है और यह लिख दिया मैंने एफ ई एच टू होल सिक्स थ्री प्लस। अब तुम देखो यहाँ पर एफ ई है, इन केस मान लो, चलो ये कोबाल्ट लेते हैं, कोबाल्ट और प्लस टू, इसके पास डी सेवन है ना, एच टू कौन सा लिगेंड बताया मैंने तुम्हें, वीक। अब क्या होगा, अब ये सात इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजोगे, ऐसे ही जाएंगे, अब ये सात इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजोगे बताओ। पहले तो स्टार्टिंग करती हूँ, वन टू थ्री, इतना हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर ये वाला जो H2O है ना वीक है, और वीक वाले लिगेंड की हमें कहानी पता है, क्या पता है वीक लिगेंड के बारे में, वीक लिगेंड के पास पावर नहीं है, पावर नहीं है इसका मतलब, अच्छा ये एक सेकेंड ऊपर लिखते हैं इसको, आप दिख रहा है ना, देखो तो वीक के पास क्या नहीं है, पावर नहीं है, पावर ही नहीं है इसके पास, तो ये क्या नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, देखो D7 है ना, ऐसा नहीं कभी नहीं करेगा, पहले नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, तीन तो गए, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ नहीं जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, कौन से केस में, वीक में, क्योंकि वीक के पास पावर नहीं है कि वो आकर पहले क्या करा सके, पेयरिंग। तो ये हो गया फोर, ये फाइव, अब सब में एक ही गया, अब तो इसको ऑब्वियसली बात है कहाँ पर आना वापस, क्योंकि सेवन इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वापस क्या हो जाएगी, पेयरिंग। ठीक है, तो वन बाय वन क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करती हूँ, तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी इसके बाद, देखो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, कौन से कॉम्प्लेक्सेस की बात चल रही है, ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही है, और फिर नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी जो भी अपन बात करेंगे ना अभी इस टेबल में, वो कौन सी लिगेंड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो डी है और डी में डी वन हो सकता है, डी टू, डी थ्री, डी फोर, कितना आना है, डी टेन तक आना है, तो इसको तो अपन लिख ही लेते हैं, डी सेवन, डी एट, डी नाइन, और ये क्या हो जाएगा, डी टेन, टेन से ज़्यादा आने नहीं इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और कॉम्प्लेक्स में इसका मतलब कौन है यहाँ पर, लिगेंड, जब भी लिगेंड आएगा तो हमने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में क्या देखा था, कि जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट्स में क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ डी वन, ये है ना दोनों मैंने ऐसे बनाए, लेकिन तुम इस बात को समझना कि डी टू जी तो कहाँ पर है, नीचे, और ई जी कहाँ पर है, ऊपर। ठीक है, ये बात तुम ध्यान रखना, ये ऐसे है क्योंकि हम इसको टेबल में शो कर रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब देखो यहाँ पर डी वन है, तो डी वन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसमें जाएगा ना, सही है, तो इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ इसके नीचे, ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पर, डी वन में, इधर गया, बताओ ये कहाँ गया है, टी टू जी में गया है या ए जी में गया है, क्या बोलोगे तुम, टी टू जी में गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी टू जी वन, क्योंकि टी टू जी में गया है, ई जी में गया क्या इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले लेवल में गया, इधर गया, नहीं गया, तो हम क्या लिखेंगे, ई जी जीरो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, जिसने पेयर नहीं बनाया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ने क्या पेयर बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन, इसको थोड़ी देर बात करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी टू, अगर मैं तुमसे बात करूँ डी टू, तो डी टू मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएंगे, किसको, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक तो यहाँ गया, चलो दो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इन दोनों को, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक यहाँ गया, ऐसे होगा ना दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये वन, और ये क्या होगा यहाँ पे टू, इस वाले में गए, इसको अपन क्या रखेंगे, कहाँ गए दो इलेक्ट्रॉन, टी टू जी में गए, ये टी टू जी तो है, तो ये हो जाएगा टी, कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टी टू जी वन, और टी जी क्या है, जी ऊपर वाले में, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया यहाँ पर टी टू जी टू, और ई जी क्या हो जाएगा, ई जी में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं ना यहाँ पर, कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ गया है, एक यहाँ गया, ये तो वन, तो दोनों क्या है, अनपेयर्ड ही है, अकेले ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। नेक्स्ट बात करो डी थ्री, डी थ्री में क्या हो जाएगा, ये वन, अच्छा डी थ्री कैसे लिखोगे, वन, ये टू, और ये क्या हो गया, थ्री, ऐसे ही जाएगा ना, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, वन टू, और ये क्या हो गया, थ्री, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे टी टू जी थ्री,
तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे, टी टू जी में रहे, और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर ई जी, और ये क्या हो गया यहाँ पे जी, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तीन, तो ये हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टी टू जी, हाँ डी फोर की बात करेंगे, ये टी टू जी और ये क्या हो गया पी जी, इसको लिख देते हैं अपन ऐसे, इसे लिखा ऐसे। किसकी बात चल रही है, डी फोर की बात करेंगे, डी फोर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, चार। कैसे फिल करोगे, देखो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तीन तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो ऐसे ही जाएगा। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, डी फोर से होती है। अब ये बताओ डी फोर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के पास क्या है, पावर, पावर है तो क्या करेगा, पेयरिंग। इसका मतलब जो डी फोर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, समझ में आया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, पेयरिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ठीक है, और फोर वापस ही यही आएगा। कॉन्फिगरेशन की बात करें क्या हो जाएगा, कहाँ गए इलेक्ट्रॉन तीनों, ये तीनों गए हैं टी टू जी में, कितने गए फोर, और टी जी क्या हो गया जी में। नाउ इन दिस कंडीशन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड हैं, ये कैसा है, पेयर्ड है ये तो, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने अनपेयर्ड हैं, दो। आगे नेक्स्ट बात करो डी फाइव, डी फाइव कर सकते हो अपने आप, कैसे करोगे, वन टू थ्री ये तो हो ही गया, ये फोर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा पेयरिंग, ये फोर और ये कौन सा हो गया फाइव, इसको अपन यहाँ लिखे तो वन टू थ्री फोर और ये क्या हो गया फाइव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तुम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखे टी टू जी, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है टी टू जी में है ना, तो टी टू जी क्या हो जाएगा फाइव, ईजी में तो कोई गया ही नहीं अभी तक, क्या हो जाएगा जीरो। और फिर इसके बाद अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ देख लो, अनपेड कितने हैं, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, और ये कैसा है अकेला है, अनपेयर्ड, कितना हो जाएगा यहाँ पर वन। नेक्स्ट बात करते हैं डी सिक्स वाले की, तो डी सिक्स वाले कैसे लिखोगे, करके देखो अपने आप, ये बना दिया मैंने टी टू जी, ये बना दिया मैंने ई जी, करो सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, कैसे करेंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल, ये वन, ये टू, ये थ्री, इसके बाद कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग की बात चल रही है ना, पूरे में स्ट्रॉन्ग की बात चल रही है, यहाँ पर पेयरिंग कर दो फोर फाइव और ये क्या हो गया सिक्स, तो यहाँ पे बना देते हैं इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, टी टू जी में ही चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा टी टू जी, टी टू जी सिक्स, और ई जी में कोई इलेक्ट्रॉन क्या क्या नहीं गया, तो कितना हो जाएगा ई जी जी। अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, छः इलेक्ट्रॉन, छः के छः के अनपेयर, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जी। अब रह गया अपना सेवन एट नाइन टेन, तुम बताओ अपने आप कि सेवन एट नाइन टेन वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, डी सेवन कंडीशन है, डी एट, डी नाइन, डी टेन, टी टू जी ऐसे बनता है, टी टू जी और ये बनता है ई जी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन, और आ सकते हैं कैसे, देखिए बताओ यहाँ पे टी टू जी में और इलेक्ट्रॉन आएंगे, टी टू जी में और इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले, छः इलेक्ट्रॉन आते हैं और आगे छः इलेक्ट्रॉन, तो अब अपना जो सेवन्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कौन सा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा पेयरिंग, तो वही बात चलेगी, छः तो यहीं आ गए, अब जो सेवन है क्योंकि यहाँ जरे नहीं है तो वो कहाँ जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा देखो डी सेवन वाला, डी सेवन वाले को बनाए तो ये डी सिक्स है, अब डी सेवन यहाँ बनाते हैं, देखो डी सेवन बनाते हैं क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो हो गया। अब जो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा टी टू जी सिक्स, छः तो लेने ही, और ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वन, है ना, और इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आएंगे, अनपेयर्ड, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये कैसा है अकेला रह गया अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वन। डी एट की बात करो, एट वाले में क्या आएगा देखो लिखते हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए, ये टी टू जी, ये तो फुलफिल हो गया, छः इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ सेवन हो गया, एट कहाँ जाएगा, अभी तो एट यहीं जाएगा, ठीक है, क्या होगा डी सेवन में, डी सेवन करते हैं ना, हाँ तो देखो ये सिक्स हो गया,
अप्रैल क्या हो गया, 7, ठीक है, डी 8 है, तो डी 8 वाले में ऐसे था ना, टी टू जी 1 2 3, पहले सब में एक एक गया, 4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो गई, और यहाँ पे पहले एक एक जाएगा 7 और ये क्या हो गया 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी टू जी 6 और ई जी क्या हो जाएगा 2। इसकी बात करो डी 9 है, ये डी 9 है, तो डी 9 वाले में क्या होगा, 6 तो यहाँ चले गए, 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 9, क्या हो जाएगा, 6 तो यहाँ नहीं है, 7 8 और ये क्या हो गया 9। 10 की बात करो, 6 तो यहाँ नहीं है, 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टी टू जी, टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है, टी टू जी में तो 6 ही चल रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, टी टू जी क्या हो गया 6 हो गया। इसके बाद ई जी, और ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, है ना। इसके बाद करो टी टू जी कितना है यहाँ पर, 6, और ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखिए बता दूँ यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ कितने, 1 ही तो है, ये सारे पेयर, दो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी तो, यहाँ पे सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, नीचे वाले में कोई नहीं है, तो कितना आ गया 0, ठीक है। अब मैंने इतना सारा क्यों बताया तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से, और ये तभी सॉल्व होगा जब हमें ये सब पता हो, ठीक है। क्वेश्चन को अपन कर लेंगे, पहले ये टॉपिक समझते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हमें ये पता लगाना है कि अगर जीवन है तो वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब, मैंने तुम्हें ये किसी ना किसी वीडियो में, मैंने लेक्चर में तुम्हें बताया है कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक क्या आते हैं यहाँ पर, पेयर्ड, अगर पेयर्ड है तो वो कौन से नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक, स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट, यहाँ दो है ना, दो है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे याद रखने की ट्रिक है ये, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, दूर जाएंगे एक दूसरे से, रिपेल करेंगे तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ये मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये देखो ये कैसा है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्ट होगा पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों कैसे हैं, अकेले अकेले अनपेयर्ड है तो ये भी मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर 3 है, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ देखो ये पेयर्ड है, ये कैसे हैं, अनपेयर्ड, तो मैंने तुमसे क्या कहा था, पेयर्ड और अनपेयर्ड ओवरऑल किसकी चलेगी, अनपेयर्ड अनपेयर्ड की, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ये कैसा होगा, इसके पास एक भी क्या नहीं है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो ये वाला कौन से नेचर का हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ऐसे अपन नीचे देख लेंगे, है ना। अब ये देखो कौन मैग्नेट से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन वाला, दो वाले, तीन वाले, कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। वैसे तो हमें दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 की पावर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी आती है वो अपन किससे पता लगाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से, कौन सा इनमें से मैग्नेट से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको समझो, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ लिखा मैंने एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू रखते हैं म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, एन की वैल्यू क्या है, 1, अगर एक है तो 1 1 प्लस 2, ये एन की वैल्यू 1, ये एन की वैल्यू 1, एन क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 फॉर्मूले में ही है, और बीएम इसकी यूनिट है, यूनिट मतलब जैसे डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, बीएम, बीएम मतलब क्या है, वो साइंटिस्ट का नाम है मैग्नेटॉन, ठीक है, ये बीएम की, बीएम की फुल फॉर्म है। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, अगर मैं 2 के लिए सॉल्व करूँ तो बताओ क्या करोगे, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट कर दें यहाँ पर, 2 2 प्लस 2, ठीक है। अगर 3 है तो 3 के लिए पुट कर दें, 3, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 और प्लस में क्या आ गया, 2, और कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 के लिए कुछ नहीं आना, 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये 2 1 2 1, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 वाले को, 2 वाले को और 3 वाले को, तो देखो ये होता है, इसको सॉल्व करोगे ना अप्रॉक्सीमेट आएगा 1.6,
इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 2.7 और इसे सॉल्व करोगे तो 3.8। डायरेक्ट याद कर लेना एग्जाम के लिए। फर्स्ट वाले के लिए आता है 1.7, 2.8, 3.8। इस टेबल को नोट कर लेना यहाँ पे। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन ये मैंने तुम्हें बताया गया ऐसे करना है, इसको बता देती हूँ यहाँ से क्या होगा। देखो 1 के लिए 1.7 आएगा, 2 के लिए 2.8, 3 के लिए आएगा 3.8, फिर 2 आ गया तो 2.8। एन की वैल्यू रखते जाएंगे आंसर आता जाएगा। 1 के लिए 1.7, 0 के लिए कुछ नहीं, 1 के लिए 1.7, ये तुम कर लोगे अपने। ठीक है, कौन सा हो गया स्ट्रॉन्ग, जल्दी से डिस्कस करते हैं। वीक फील्डिंग है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। देखो पूरी टेबल वही है, सिर्फ क्या कर दिया मैंने इस टेबल को चेक करो, पहले वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, अब कौन सा हो गया वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ठीक है, बाकी पूरा सब कुछ वही है। स्टार्ट करते हैं अपन, D1 to D10 वही रहना है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। यहाँ बना दिया साइड में मैंने ऐसे P2G, और ये बना देते हैं P2G, इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। D1 है तो D1 यहाँ जाएगा, इसका मतलब यहाँ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, D2 है तो ये यहाँ जाएगा, इसको ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ये D2। D3 है यहाँ जाएगा, 3 तक तो सेम ही रहना है। ओके, अब बताओ D4, खुद ही सोचो बताओ कहाँ जाएगा D4। इस बार कौन सा लिगेंड वीक है, तो बताओ वीक क्या करेगा, वीक के पास पावर नहीं होती तो वो क्या नहीं कर सकता, पेयरिंग नहीं कर सकता। इस बार जो D4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। क्या हो जाएगा देखो, 1, 2, 3, और इस बार कहाँ गया PG में, ये यहाँ। D5 वीक ही चल रहा है तो वीक कहाँ जाएगा, ऊपर। क्या हो जाएगा 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 4 और ये 5। इसको ऐसे बनाते हैं अपन, ऑप्शन ही नहीं बचा तो इसका मतलब पेयरिंग होनी है अब तो। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इतना सारा याद रखना। D4 वाले केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो वीक है, वीक है तो वो पहले क्या करेगा, पेयरिंग करा ही नहीं सकता, तो D4 को ऊपर जाना पड़ेगा, D5 को ऊपर जाना पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो D6 वापस आएगा नीचे। क्या हो जाएगा देखो, D6 की बात करें तो 1, 2, 3 हो गया, ऊपर कितने गए 2, ये 4 और ये क्या हो गया 5। अब 6 वापस आएगा नीचे, तो ये हो गया 6। ठीक है, D7 कर सकते हो अपने आप, कैसे करोगे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि वीक है, वीक वाला सब में पहले एक एक भेजेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो 6 और ये क्या हो गया 7। 8 वाले की बात करो, 4, 5, 6, 5, 6, 7 और 8। 9 वाले की बात करो, अच्छा 9 देखो, इसको स्टार्ट करें 9 वाले को ऐसे करते हैं, ये लिखा ऐसे और ये ऐसे लिख दिया, इसमें अपन याद करते हैं, यही कर देते हैं 1, 2, 3 इतना। ठीक है, इसके बाद कौन सा लिखेंगे, ये वीक, वीक वाला पहले पेयरिंग नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है, तो 4 और ये क्या हो गया 5। अब कोई ऑप्शन नहीं है, 6, 7, 8 तक तो हो गया, 9 वाले की बात करें ये हो गया। ठीक है, कैसे लिखें देखो, चलो ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या हो गया 9। अब 10 वाला तो यही चाहिए, तो लास्ट वाले में फुलफिल होना है इसको, तो वैसे भी ठीक है, हो गया कम्प्लीट। T2G और EG तुम लिख सकते हो, कितने T2G में इलेक्ट्रॉन, कितने EG में इलेक्ट्रॉन, लिखते हैं जल्दी जल्दी। देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो यहाँ लिखा मैंने T2G 1, इसमें कितने 2, यहाँ लिख दिया T2G 2, यहाँ लिखा मैंने T2G 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसकी बात करो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ये 3 है T2G में, तो यहाँ लिखा T2G 3, और EG में चले जाएगा इस बार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक है तो EG 1, इसमें क्या हो जाएगा T2G 3 ही रहना है, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो EG हो गया 2। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखना होता है, इसको बताओ यहाँ पे, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए D6 वाले में, ये T2G लेवल है ना, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, T2G 4
और ई जी कितना हो गया टू। अब यहाँ करते जाओ, ये तो आ जाएगा टी टू जी फाइव, ई जी टू, टी टू जी सिक्स, ई जी टू, टी टू जी सिक्स ही रहेगा, ई जी थ्री लिख देती हूँ इसको, समझ जाओगे तुम अपना। यहाँ पे लिखा टी टू जी फोर ई जी टू, इसका हो जाएगा टी टू जी फाइव ई जी टू, टी टू जी सिक्स ई जी टू, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टी टू जी सिक्स ही रहना है और ई जी क्या हो जाएगा थ्री। लेकिन काउंट कर लेना, सिक्स और थ्री कितने हो गए नाइन, इसको टी टू जी सिक्स और ई जी क्या हो गया फोर। अनपेड इलेक्ट्रॉन जरा लिखते जाओ, यहाँ से पता चल जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन है वन, तो यहाँ पे क्या लिखे वन, यहाँ कितने टू, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू, फिर इसके बाद यहाँ कितने अंक है थ्री, यहाँ पे तीन और एक कितने हो गए चार, ये थ्री और ये टू कितने हो गए फाइव। इसमें बात करो कितने अनपेड है, काउंट करो कितने अनपेड है, ये तो पेयर है ना, इसे काउंट नहीं करेंगे, वन टू थ्री फोर इतना तुम कर सकते हो अनपेड काउंट, ये तीन, नेक्स्ट वाले में टू, फिर कितना आएगा वन और कितना आएगा जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम वही काउंट करनी है, बस इस बार हमारे पास दो वैल्यू ज़्यादा आ गई, कौन कौन सी, एक फोर वाली ज़्यादा आ गई और एक कौन सी आ गई फाइव वाली। तो तुम्हें क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि फोर पुट करना है, तो जब फोर पुट कर दोगे तो आंसर आएगा, फाइव रखोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि फोर रखने पर क्या आंसर आएगा और फाइव रखने पर क्या आएगा। देखो ये होता है, हमने लिखा था ना अभी 1.8, 1.7, 2.8, 3.8, 4.87 और ये हो जाता है 5.9, फिर ये तो बाकी सेम रहेगी है ना, इसलिए जीरो आई जाएगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। हो गया अपना टॉपिक, और इसको जल्दी से नोट कर दो, एंड द लास्ट टॉपिक विल बी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, छोटी सी है, दो मिनट की है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन है, इसको तो तुम नोट कर लेना। इस सीरीज़ में है क्या, क्योंकि हमने बहुत सारे लिगेंड पढ़े हैं, कौन कौन से लिगेंड हैं, देखो हमने पढ़ा है एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और बी आर नेगेटिव, वाटर भी है, आई नेगेटिव है, इसके बाद एन एस सी, सी ओ, ये बहुत सारे लिगेंड हमने पढ़ रखे हैं। इनमें से क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक थी जो अपने सिलेबस में है कि ये पाँच तो क्या होते हैं वीक होते हैं और ये क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं, इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन बात करें कि एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब कौन सा तो वीक लिगेंड होगा, कौन सा स्ट्रांग लिगेंड होगा, जैसे इन दोनों ये पांच वीक है, लेकिन इन पांच में से भी कौन सा ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए एक क्या बनाई सीरीज़ बनाई है, जिस सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या पता लगेगा कौन सा वीक लिगेंड है और कौन सा स्ट्रांग लिगेंड है, ठीक है। तो वो सीरीज लिखते हैं, सबसे पहले आई नेगेटिव सबसे वीक लिगेंड होता है, तुम्हें डायरेक्ट सीरीज याद रखनी है, कैसे भी इसको याद करना जैसे तुम्हें इजी लगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई नेगेटिव पी आर नेगेटिव, इसको बोलते हैं थायो सल्फर को थायोसाइनेटो, ये लिगेंड है आयोडो ब्रोमिडो थायोसाइनेटो है ना, ये लिगेंड हमने पढ़ रखे हैं हाइड्रोक्सो, इसका मतलब ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर लिखी थी मैं यहाँ पर C2O4-2 है ना। इसके बाद कंटिन्यू करना, मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ ये सीरीज है, इसको तुम्हें कैसे भी करके याद रखना है। सबसे वीक कौन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, सी ओ, सी ओ का नाम क्या है कार्बोनिल। इसके बाद जो ओ एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये ओ एक्स, तो ओ एक्स के बाद कौन सा आएगा एच टू, ठीक है, ये वीक है
और यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू करोगे तो ये वाला कौन सा होगा? स्मॉल। अब क्वेश्चन कैसे आता है? अच्छा, इनमें से कुछ को तुम इग्नोर कर सकते हो, कैसे? एस सी एन, इसको इग्नोर कर देना, नहीं याद हो रहा है तो एन सी एस, इसे इग्नोर कर देना, बाकी तुम याद कर लेना। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो भी सुन लो। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब लिख के आना है। इनमें से कुछ एक तो तुम हटा भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन इनमें से कोई भी पांच लिगेंड दे देगा और फिर लिखेगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने बी आर टी एन एच टू ओ एन एस थ्री और एफ नेगेटिव, इनको अरेंज कर दो, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अरेंज करवा दो, ठीक है? तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना। अगर इसमें से कुछ रह जाता है तो वो शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट्स ऑल।